गाइज वेलकम टू माई चैनल। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने खुद से अपना हेयर कट नहीं किया था, इसलिए आज मैं अपना ये हेयर कट वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली संडे को ही किया है। और ये जो हेयर कट है बहुत ईजिली आप घर पे खुद ही आराम से कर सकते हैं, और आप देखेंगे ये वीडियो में आगे कि कैसे मैंने इस तरह से हेयर कट किया है। एंड उसके लिए हम जब भी आप हेयर कट कर रहे हैं ना तो बाल थोड़े से वॉश कर लीजिए या शैम्पू कर लीजिए, जिस तरह से आप पार्लर में जाके करवाते हैं, शैम्पू एंड कंडीशन कर लीजिए। और अब हम करेंगे हेयर कट। तो मैंने सबसे पहले एक शीट लगा ली है, और अब मैं अपने हेयर को कोम कर लेती हूँ। डीटैंगल कर लीजिए बालों को, और अब मैं पूरा जो पानी है पानी स्प्रे कर दूंगी। और इस बार जो मैं हेयर कट कर रही हूँ वो वेट गीले बालों पर कर रही हूँ, तो बालों को भिगो लेंगे। और यहाँ पर पैडल ब्रश है मेरे पास, तो उससे मैं अच्छे से कोम कर ले रही हूँ बालों को। तो बालों को अच्छे से कोम करना है, और हम सेंटर पार्टीशन मैंने किया है, बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। और हम इस तरह से हम ब्रश में ऐसे बाल सामने एकदम स्ट्रेट सामने लेके आना है। तो जब भी आप हेयर कट कर रहे हैं इस तरह से, ये वाला अगर ट्राई कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले आगे के कुछ लेयर्स आप ले सकते हैं, और पैडल ब्रश से, अगर आपके पास ये पैडल ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल कंघी से भी बालों को इस तरह से, मोटी कंघी लीजिए और इस तरह से आप बालों को कोम करके सामने लेके आना है। और फिर जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं आप उस तरह से काट सकते हैं। अगर आपके बाल लेवल पे हैं तो आपको बाल थोड़े से ज़्यादा काटने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो लेवल पे एक जैसे आएंगे, तो आप एक से दो इंच बाल काट सकते हैं। दो से तीन इंच भी काटेंगे तो लेयर्स अच्छे से दिखेंगे। तो इसी तरह से आपको पूरी तरह जो बाल हैं एकदम से ब्रश में अच्छे से पकड़ना है, और टाइटली उसको आगे की तरफ सामने लेके आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर बाल थोड़े से कटे हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी हेयर दिख रहे हैं उनको हम काट देंगे एक ही लेवल पे। तो इस तरह से आपके जो लेयर्स हैं वो बनते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आप बार बार दो तीन बार रिपीट करिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा बाल कितने लेवल में हुए हैं। और इसी तरह से आप पूरे एक साइड के बाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मेरे जो फ्रंट हेयर हैं वो अभी भी लॉन्ग हैं। आप चाहें तो और छोटे कर सकते हैं, चिन के लेवल तक भी कर सकते हैं, और गर्दन के लेवल से भी कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है, आपको कितने और लॉन्ग लेयर्स चाहिए और कितने लॉन्ग लेयर्स से लेके नीचे लॉन्ग तक चाहिए। तो आप अपने आगे के फ्रंट हेयर और आगे ले जाके और शॉर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा काट सकते हैं, जिससे जो लेयर्स हैं वो और ज़्यादा दिखाई देंगे। और इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी करूँगी। अब लेफ़्ट हैंड साइड में जो हेयर कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड कैंची नहीं पकड़ सकते, हम राइट हैंड से ही करना होता है, और पैडल भी ब्रश भी पकड़ना है और हेयर कट भी करना है। तो मैं उसके लिए भी ट्रिक बताऊँगी। तो मैंने सबसे पहले अभी यहाँ पर कुछ फ्रंट हेयर ले लिए हैं और उनको भी काट दिया है लेफ्ट। तो यहाँ पे रैंडमली मैंने थोड़े से फ्रंट हेयर लिए हैं, और अब मैं लेफ्ट हैंड साइड अपने करूँगी। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं बार बार देख रही थी कि किस तरह से करूँ, तो मैं राइट हैंड से पकड़ा है, अब मैं उसको लेवल किया है, फिर मैंने कैची से काट ली। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेफ्ट हैंड साइड करना, तो अभी मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से करिए, थोड़ा साइड में ले जाके और बालों को इस तरफ ट्विस्ट करके करेंगे ना तो आप इजीली कर पाएंगे।
पैडल ब्रश में एक्चुअली बाल एकदम फंस जाते हैं और स्टिल रहते हैं, मतलब आगे पीछे बाल नहीं होते हैं, तो ईजी मतलब ईजिली आप इसे यूज़ करके कट कर सकते हैं ईजिली पैडल ब्रश से। अगर ब्रश नहीं है तो आप मोटी कोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा ट्विस्ट करके गीले बालों में रखेंगे तो बाल टिके रहेंगे और आप ईजिली कट कर पाएंगे, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने दोनों साइड अपने बालों को काट दिया है एंड ये बहुत ही इजी कट है जो आप इजीली अपने अपने मतलब घर पे ही आराम से खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी के हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप ऐसा बिगिनर हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब लेयर्स दिख रहे हैं मेरे काफ़ी, और लेयर्स दिखने के बाद फिर आप बालों को स्टाइल कर सकते हैं। आपको लेयर्स दिख रहे होंगे ऊपर से लेकिन नीचे तक लॉन्ग लेयर्स दिख रहे हैं, और अब मैं इसे कोम करके और फिर हेयर स्ट्रेटनर से और स्टाइल कर लूंगी बालों को कि बाल और अच्छे दिखें और कट्स आपको समझ आएं। तो हेयर को स्ट्रेट करने के बाद और फिर स्टाइल करने के बाद बाल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे साइड पार्टीशन किया है एंड जो लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आपको ज़्यादा लेयर्स चाहिए तो आप फ्रंट हेयर और छोटे कर सकते हैं, और इस तरह से आप बाल काटेंगे तो आपको अच्छे लेयर्स दिखाई देंगे। तो लेयर्स तभी दिखेंगे जब आप अच्छे से इसे स्टाइल करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय एंड लव यू ऑल।